सो इस न्यू आईडी में बिना गन स्किन के ग्रैंड मास्टर पुशिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। एंड कल के एपिसोड में देखा ही था, हमने हीरोइक कर लिया था, तो आज हम इलाइट हीरोइक के लिए पुश करेंगे। एंड भाई रैंडम के साथ इलाइट हीरोइक पहुंचना इतना भी इजी नहीं था, बहुत से मैच हम हारे भी, बट ऑफकोर्स हमने बहुत सी स्ट्रीक भी लगाई। एंड एक खुशखबरी भी है भाई, बीआर की ग्रैंड मास्टर में जो ग्लिच लग गया था वो भी सॉल्व हो गया, तो भाई मज़ा आ जाएगा दोनों में ग्रैंड मास्टर जब दिखेगा। एंड आईडी जो है भाई ये सीजन के एंड में हम जो है गिव अवे भी करेंगे, तो थोड़ा सा जो है भाई सपोर्ट दिखा देना। एंड मैच के बीच बीच में बहुत सी टिप्स भी जो है मैं शेयर करता रहूँगा, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो सीधा जो है भाई मैच की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा पहला मैच और इसमें जो है 3-2 स्कोर हो रखा था, और मैं जो है ना भाई इस राउंड में हमेशा इस तरफ आ जाता हूँ और एक बंदा भाई निकलता है, देखो क्या ही जो है भाई इसे तगड़े वाला हेडशॉट पड़ जाता है। और मैंने सोचा यार अब जो है ना आपको सीएस में लास्ट राउंड जो होगा वो दिखाया करूँ, जिससे भाई वो पूरा राउंड समझ भी आए और इंटेंस होता ही है यार लास्ट राउंड, और तो भाई बहुत मजा आएगा। बाकी मैं जो है भाई आगे बढ़ जाता हूँ तो पीछे से जो है मेरे को बहुत गंदा वाला जो है डैमेज पड़ता है, तो यहाँ पे जो है मैं वॉल लगा के फटाफट से मैडी मार के जो है उसकी तरफ बढ़ता हूँ। इतने में देखो कितना और जो है इसने डैमेज दे दिया था। बाकी आखिरी का जो है ये बंदा रह जाता है तो थोड़ा सा देखते हैं, तो यहीं पे जो है मैं रुकता हूँ और मेरे लिटरली ना 5 खिल थे और मेरे को जो है किसी तरह इसको मारना था, इसके बाद जो है ना मेरा MVP मिल जाता, तो ये ना यहाँ चला जाता और मैं गलती से गिर जाता हूँ। मैंने जो है इसको डैमेज तो दिया था लेकिन मेरा जो है भाई टीममेट किल जो है कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट भैया हो जाता है ये वाला मैच और 6 स्टार के साथ जो है हमारी 7 स्टार जो है प्लस हो जाती है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। अब इस मैच की बात करें तो यार सामने वाली टीम ने ना 3-0 स्कोर कर दिया था और मैं जो है इस तरफ आ जाता हूँ। इस राउंड में एक बंदा ना नीचे कूदता है और लिटरली मेरे पे होमर भी लग जाता है, तो मैं जैसे इसको डैमेज करता हूँ, ये देखो भाई क्या ही तगड़े वाला जो डैमेज कर देता है। काश मैं ना भाई पहले यहाँ से भाग जाता, मैंने पैक करने की कोशिश करी थी, इसने मेरे को मतलब वॉल फोड़ के इजी पीजी मार दिया था। और हमारे जो है भाई टीममेट भी जो है एक बंदा जो है नॉक तो करता है, बट ये नीचे वाले पे मेरे को इतना गुस्सा आता है ना भाई, पता नहीं क्या कर रहा था। और हम जो है भाई ये वाला मैच हार जाते हैं, लेकिन हमारी प्रोटेक्शन पॉइंट लगी हुई थी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और नेक्स्ट मैच की बात करें तो भाई हमारा जो है 3-0 स्कोर हो रखा था और ये वाला मैच देखना भाई बहुत जो है ना तगड़ा जाएगा। तो आगे की तरफ जो है बंदा था तो मैंने जो इसको थोड़ा सा ही जो है डैमेज दे पाया था, और यहीं पर जो है मैं होल्ड करता हूँ क्योंकि आगे भाई एक इनिंग शायद 2-2 बंदे थे, तो जैसे ही निकलता थोड़ा सा जो है मैं डैमेज करता हूँ और इसकी तरफ बढ़ जाता हूँ, इसको जो है मैं नॉक कर देता हूँ और इतने में दूसरा बंदा भी इसका आ जाता है, तो थोड़ा यहीं रुकते हैं। और इसने जो यार दिमित्री भी लगा लिया था, तो मैं जो थोड़ा यहाँ पास में आ जाता हूँ कि किसी तरह फिर से मार सकूँ, लेकिन भाई बस वॉली इस तरह लगा रखी है और ऊपर से ये देखो कैसे चढ़ चढ़ के आ रहे थे, तो मैं जो है भाई पीछे ही हो जाता हूँ और यहाँ पर भी मैं वॉल लगा लेता हूँ। तो देखते हैं यहीं पे जो है थोड़ा होल्ड करते हैं, और मेरा जो है आखिरी टीममेट ही बचा था तो वो भी आ जाता है। यहीं पे जो है भाई एनी में दिखता है वो भाई मेरे टीममेट को नॉक करके नीचे गिर जाता है, गलती से मैं भी गिर जाता हूँ, लेकिन उसको पता नहीं चलता और वो पता नहीं शायद भाग ही जाता है, शायद उसकी हेल्थ कम होगी और मेरा जो है टीममेट भी नीचे गिर जाता है, तो मैं जो है इसे फटाफट से रिवाइव करा देता हूँ। हम दोनों के लिए जो है 2v4 क्लच होने वाला है, लेकिन देखना भाई एक तरह से 1v4 होगा या नहीं। तो यहाँ पे जो है मैं पहले जो है मैडी मार लेता हूँ और अब जो है आगे की तरफ चलेंगे, पूरा भाई होल्ड रख रहा था मैं और मैं जो है इस पिलर के पीछे आ जाता हूँ, और ये भी जो है वुकोंग के साथ पत्नी कहाँ जा रहा था, और इसकी तरफ जो है भाई 2 बंदे थे, तो मैंने सोचा यार मैं जो है राइट से निकलने की कोशिश करता हूँ। तो एक बंदा मेरे को ना यहाँ पे दिखता है ड्रॉप के पास, उसको देखो क्या ही तगड़े वाला हेड मार देता हूँ, और सीधा जो है भाई जोन जो है श्रिंक हो रहा था उस साइड, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और 2 बंदे ही बचे इनके, एक बंदा तो शायद इनका पहले से ही नॉक हो रखा है और ये नेट फेंकता है, तो मैं इस साइड आ जाता हूँ, तो फिर से निकलते हैं। तो यहीं पे जो है थोड़ा सा जो है भाई वेट करेंगे, और जैसे ही ये वाला बंदा निकलता है ये देखो भाई इसको जो है कई डैमेज दिया था, और दूसरे वाले बंदे को भी जो है बहुत अच्छा वाला जो है डैमेज दे दिया है, और इसने दिमित्री लगा रखा था, और ये देखो भाई दिमित्री सोनिया दोनों मर जाते हैं और ये वाला जो है भाई मैच किसी तरह जो है निकल जाता है, और इसी के साथ जो है हमारे 9 स्टार हो जाते हैं, तो बहुत ही OP। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। अब ये वाले मैच की बात करें तो हमारा जो है 3-1 स्कोर हो रखा था और आगे की तरफ ही जो है भाई बंदे थे, तो मैं जो है थोड़ा यहीं पे रुकता हूँ और तीन और भाई लास्ट का इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे ना मतलब मैं ढेर सारे आपको मैचेस भी दिखा सकूँ, और लास्ट राउंड का तो आपको पता ही है यार मज़ा कितना आता है।
तो मेरे पे ना इसमें कॉइन्स बड़े कम थे, तो मैंने M14 ले ली थी। और फैक्ट्री में तो भाई मैं हमेशा जो है ऊपर चढ़ जाता हूँ, क्योंकि भाई बहुत जो है काम आता है जब भी उस साइड से जो है राउंड बनता है। तो अब जो है यहीं पे थोड़ा होल्ड करते हैं, अभी उनके भी जो है चारों बंदे हैं। तो एक बंदा ना मुझे यहाँ दिखता है, और ये देखो भाई इसको जो है मैंने किसी तरह सोनिया बना दिया था, लेकिन दिमित्री यूज़र यार मैं क्या ही बोलूँ। तो एक बंदा रिवाइव भी करा रहा था, तो मैं जो आ जाता हूँ और फिर से इसको नॉक कर देता हूँ, और मेरी हेल्थ कंप्लीट, तो थोड़ा थोड़ा निकल के जो है इसको भी डैमेज करके सोनिया बना देता हूँ। और एक और बंदा शायद मेरे पे रश कर रहा था, तो मैंने जो है बॉल यहाँ लगा ली थी और वो भी नॉक। और इसको भाई पता नहीं फिनिश करने से जो है ये मैच हम जो है जीत जाते हैं। तो बहुत ही ओपी भाई, बॉडी बॉडी से ही जो है किसी तरह ही जीत लिया था, और 10 स्टार जो है इसी के साथ हमारे हो जाते हैं। बाकी नेक्स्ट मैच की बात करें तो यार कहते हैं ना कि अगर सारे मैच जीतने लग जाओ तो काम ही ना बन जाए भाई, एक ही दिन में ना चले जाए ग्रैंड मास्टर। तो देखो अब भाई मेरे टीममेट जो है पता नहीं कहाँ जो है नॉक हो जा रहे थे। और इस टाइम ना मैंने सोच लिया था कि भाई मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन मैंने सोच लिया था जब कभी भी ना सामने वाले के 2 पॉइंट हो जाएंगे, तो हम रैंडम्स के साथ अगर हम खेल रहे होंगे ना, तो कभी भी भाई हम जो है अलग नहीं जाएंगे, मतलब उन्हीं के साथ रहेंगे कैसे भी करके। तो ये चीज़ है, बाकी मैं यहाँ कोशिश तो करता हूँ यार मारने की, लेकिन एंड में भाई चारों मिलके थोड़ा थोड़ा स्प्रे से जो है मार ही देते हैं। और प्रोटेक्शन पॉइंट थी तो हमारी माइनस तो नहीं होती, तो ये ठीक था। तो इसी के साथ जो है भाई हमारी जो है 11 स्टार भी हो जाती है, 12 स्टार भी हो जाती है, 13 स्टार भी हो जाती है, मतलब 3-4 मैच जो है भाई हम लगातार जीत जाते हैं। और अब जो है इस मैच की बात करें तो भाई 3x स्कोर फिर से हो जाता है, और ये भाई वो वाला मैच नहीं है, अलग ही मैच है, फैक्ट्री है तो मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ हमेशा। तो अब देखना, तो यहाँ पे जो है मैं नीचे गिर जाता हूँ, और यहीं पे जो है देखते हैं भाई कहाँ पे बंदे। तो यहाँ पे जो भाई मेरे जो है 2 बंदे जो है नॉक हो गए थे, तो 2v4 जो है होने वाला था, और एक बंदा जैसे ही निकलता है उसको जो है मैं थोड़ा सा जो है डैमेज करता हूँ। और यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ यार किसी तरह जो है मैं भी कुछ निभा सकूँ मारने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था यार। तो यहीं पे देखते हैं अभी जो है उनके चारों बंदे जो है बचे हुए हैं, तो एक बंदा मेरे को पता नहीं कहाँ से जो है थोड़ा डैमेज करने लग जाता है, तो मैं फिर से ऊपर आ जाता हूँ और इस वाले बंदे को जो नीचे वाले को जो है मैं नॉक कर देता हूँ, और इसे जो है भाई ख़त्म ही कर देते हैं। बहुत ही ओवी चला, एक तो मरा लेकिन मेरा टीममेट भी जो है भाई नॉक हो जाता है। तो देखते हैं 3 बंदे ही बचे हैं, और जैसे ही मैं यहाँ तो भाई एक बंदा आ जाता है, वो तो अच्छा है भाई M14 का डैमेज इतना गंदा है, तो इसको जो है भाई किसी तरह मैं नॉक कर देता हूँ। और एक और बंदा पता नहीं भाई कैसे नॉक हो जाता है, तो यहाँ पे जो है फटाफट से पहले जो है मेडी मार लेते हैं, वो शायद एलिमिनेट हो गया। तो ये बंदा ना भाई दूसरा बंदा ना भाई इसको रिवाइव करा रहा था, और ये देखो बॉडी बॉडी मार के भाई किसी तरह जो मैं जीत जाता हूँ। और इसी के साथ हमारी 14 स्टार हो जाती है और 4 की स्ट्रीक। बाकी इस मैच की बात करें तो यार 3-2 जो है स्कोर हो रखा था, एक बंदा ना पता नहीं नीचे से आ रहा था, तो मैं जो है इस साइड आ जाता हूँ, और यहाँ पे ना ये मेरे को दिखता है, और मेरा एक टीममेट भी ऑफलाइन था, तो मैं उसी का जो है सारा करते करते इसको किसी तरह मार देता हूँ। और यार टीममेट भी ना रैंडम्स में बहुत ज़्यादा जो है कभी कभार ऑफलाइन होते हैं, तो यार ये बेकार लगता है। तो एक और बंदा आ रहा था, उसको जो है भाई अच्छा खासा डैमेज दिया था, लेकिन ये नेक्स्ट एरा मैप है यार, इसमें जो है ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, ऊपर से वॉल ख़त्म हो रखी थी, तो मैं फंसा पड़ा था, जून भी आ रहा था। तो यार मैं जो है यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, और ये गिर जाता है, मैं भी जो है कूदता हूँ, लेकिन भाई मेरा तो काम ही तमाम। और इस मैच के बाद ना भाई मेरा ना थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है, तो मैं जो है ब्रेक ले लेता हूँ फिर, एंड उसके बाद जो है फिर से मैच स्टार्ट करते हैं। और 3-2 जो है हमारा स्कोर हो रखा था, बाकी ये वाला मैच देखना भाई क्या ही होगा। तो आगे की तरफ ही बंदे थे, तो मैं जो है यहाँ पे नेट फेंक देता हूँ, और इससे डैमेज तो नहीं आता क्योंकि वो आगे ही चला जाता है, और एक फ्लैश फ्रीज फेंक देता हूँ। और देखो ये बंदे ना भाई मेरे टीममेट पे चढ़ चढ़ के जो डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक को तो मैंने नॉक कर दिया था, ऊपर से इन पर नायरी वाली बॉल थी, और ये देखो भाई सारे बंदे जो है मारे जा रहे थे, और इसी के साथ हमारा बुई आ जाता है। एक बंदे को तो मैंने भी मारा था, और भाई ये मैच लास्ट का बड़ा फटाफट जो ख़त्म होता है, 15 स्टार भी हो जाते हैं हमारे। तो अब नेक्स्ट मैच की बात करें तो इसमें तो हमारे जो है भाई 3x स्कोर हो जाते हैं। तो देखते हैं, एक बंदा जो है मुझे सामने की तरफ दिखता है, तो उसको तो थोड़ा डैमेज दिया है, और मैं ना पीछे आ जाता हूँ, क्योंकि भाई इन पे ना अभी हम जो एक राउंड हारे थे, तो इन पे बढ़िया बढ़िया जो है वेस्ट वगैरह थी, और मेरे पे इतना कुछ खास था नहीं। तो एक और बंदा दिखता है, उसको भी डैमेज दिया है, और इन बंदों को ना मतलब लोकेशन में चेंज करे जा रहा था जिससे एग्जैक्ट पता ना चले,
तो जो ड्रॉप वाला बंदा तो वो तो नॉक हो जाता है, और एक और बंदा निकलता है एकदम से, और उसको तो वही तगड़े वाला जो हेड पड़ जाता है, तो फटाफट से जो है फिनिश कर लेते हैं। और एक और बंदा जो है नॉक हो जाता है, और यहाँ आता हूँ तो एक भूकोंग था भाई, किसी तरह मैं जो बच गया, और ताचिया के साथ अंदर आ जाता हूँ, और भाई बस किसी तरह कभी बाहर निकले जा रहा कभी अंदर जा रहा, तो 2-4-5 गोली में किसी तरह इसे जो है ख़त्म कर देता हूँ। और इसी के साथ जो है हमारा भुइया हो जाता है, और इस मैच के साथ हमारी 17 स्टार जो है हो जाते हैं, तो बहुत ही ओपी यार, 3 की स्ट्रीक भी। तो इस मैच की बात करें तो भाई इसमें तो हमारे 3-0 जो है बढ़िया जो है स्कोर हो रखा था, और अभी देखना आप, तो मैं जो है इस साइड आ जाता हूँ, और यहाँ ये वाला राउंड तो भाई अलग ही लगता है, बाकी कभी कभार तो भाई रैंडम टीममेट्स ही इतना मार देते हैं ना, बाकी ये राउंड ना भाई थोड़ा सा ना मज़ेदार होगा, क्योंकि ना इस वाले मैच में ना वो टीममेट्स ना हमें इमोट दिखा रहे थे, तो एक बंदा मुझे दिखता है और ये देखो इसको नॉक कर दिया था, और एक और जो है इसका सामने की तरफ था लेकिन वो जो है भाग गया होगा, और ये देखो भाई लिटरली मैं जो है समझ गए होंगे मैं जो क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं भाई इसको समझ जाओ भाई, तो मैं जो है बस इसको ऐसी चीज़ कर रहा था, मेरे टीममेट्स भी जो है खुश हो रहे थे, और आखिरी का बंदा जो है मेरा टीममेट मार देता है, तो इस मैच के साथ जो है भाई हमारे 22 स्टार हो जाते हैं और 5 की स्ट्रीक। बाकी इसके अगले मैच में भी जो है हमारे 5-3-3-1 जो है स्कोर हो रखा था, और इसमें तो भाई मैं जो है जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ इसके ऊपर बैठ जाऊँ, और एक टीममेट ने नेट मारा था लेकिन उससे शायद कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा, तो वॉल फोड़ देता हूँ और सीधा रश कर देता हूँ, और ये दोनों ही भाई नीचे गिर जाते हैं, मतलब ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसे नीचे ही गिर जाएँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान से आया करो, एक बंदा दिखता है और मैंने उसको किसी तरह जो है भाई सूनिया बना दिया था, और सूनिया में भी जो है भाई हेड लग जाता है, तो चले इसे फिनिश कर लेते हैं। और अभी भी जो है हमारे 2 टीममेट जो है नॉक हो गए हैं और ख़त्म हो गए हैं, और 2 बंदे इनके भी बचे हुए हैं, तो थोड़ा सा जो है यहीं पे रुकते हैं, मैं देख रहा था कहाँ है, और एक बंदा दिखता है, और ये देखो भाई साहब क्या ही जो है ओपी वाला जो है इसे हेड पड़ जाता है, ये भी जो है ख़त्म हो जाती है। और अब जो है आगे की तरफ जो है लास्ट बंदा रह गया था, और मैं कोशिश कर रहा था कि यार M14 से किसी तरह लग जाए, और ये जो भाई हेड लगे थे ना, तो मैं भी थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस में आ गया था कि यार अब तो हम जीत ही जाएंगे, तो देखते हैं यहाँ पे जो मैं नीचे गिर जाता हूँ और मेडी कर लेते हैं, और ये बंदा भी गिर जाता है, और ये देखो जोन में ही भाई इसका जो है सोनिया बना दिया था, और ख़त्म हो जाता है ये, और इसी के साथ हमारा जो है भाई 23 स्टार कंप्लीट हो जाते हैं और 6 की स्ट्रीक। बाकी इस मैच की बात करें तो भाई हमारा जो है 3-3 स्कोर हो रखा था, और मैं जो है इसमें यहीं पे आ जाता हूँ, तो देखते हैं मेरे टीममेट भी देखो सारे के सारे जो है मेरे साथ ही आ गए थे, और यहाँ पे ना मेरे को जब रेड मार्क दिखा तो मुझे लगा यहाँ से कोई आ तो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पास में ही रेड मार्क था, तो कहीं ना कहीं तो बंदा नीचे की तरफ ही होगा। इतने में भाई मेरे पे एक नेड आता है, बस मैं बच गया भाई किसी तरह, पता नहीं कैसे बच गया लेकिन बच गया, तो देखते हैं। और वो दोनों तो भाई हमारे टीममेट वहाँ चले जाते हैं, और मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक और बंदा आता है, तो मैं फटाफट से वॉल लगा लेता हूँ और नेट ट्राई करता हूँ, और नेट से तो डैमेज नहीं आता, इतने में एक बंदा देखो क्या ही डैमेज कर देता है, तो बच गया बस मैं भाई किसी तरह, तो 2 बंदे इनके नॉक भी हो गए हैं, और यहाँ पे जो है मैं मैडी वैडी मार लेता हूँ, और एक बंदा ना पीछे से आ रहा था, और ये देखो इसको किसी तरह जो है भाई मैंने नॉक कर दिया था, और आखिरी का जो है बंदा रह गया था, तो थोड़ा सा जो है रुकते हैं, और देखो हमारे रैंडम टीममेट्स ने भाई मार दिया, और कभी कभी तो भाई वो बहुत ही तगड़ा खेलते हैं, और इसी के साथ जो है हमारा भाई हीरोइक से जो है इलाइट हीरोइक लग जाता है, और बहुत ही ओपी यार। तो 25 स्टार जो हमारे हो गए थे, और कल की वीडियो में जो भाई ट्राई करेंगे हम जो है मास्टर की, बाकी मास्टर के लिए भाई 25 भुइया तो लेनी है, और वैसे भी जो है भाई बहुत से मैच भी जो है हम हारेंगे जीतेंगे ऐसे करके, तो कोशिश करेंगे लेकिन करने की। बाकी वीडियो बताना भाई कैसी लगी, और ये भी बताना यार कि लास्ट राउंड से दिखा रहा हूँ तो ये अच्छा लग रहा है क्या, क्योंकि इसमें ना मैं आपको ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं मैच दिखा सकूँगा, और लास्ट राउंड तो जैसा कि आपको पता ही है यार कैसा होता है। बाकी हैशटैग अगर यहाँ तक जो है वीडियो देख रहे हो तो हैशटैग इलाइट हीरोइक जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय गाइस, पीस आउट।